बात तो मैं अच्छी करता मेरे दोस्त, मेरी बोली बंदूक की गोली। तालियां बजा। ओमिक्रॉन के एसी की तैसी की वजह से जब तूने पेला फिर क्या बोलते ले लेगा। हाँ। गुड मॉर्निंग ऑल एमस्किन्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि हम व्लॉग नहीं डाल रहे हैं, कुछ है जो नाराज है, कुछ है जो सिचुएशन को समझ के ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। वो होता है ना रिलेशनशिप में कि पिया गए रंगून, उन्होंने दो दिन से फोन नहीं किया है, बात नहीं हुई है, जो महबूबा है वो नाराज हो जाती है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है, और अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बुरा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जब महबूबा नाराज हो जाती है तो लड़का क्या करता है? लड़का सॉरी बोलता है, मनाने की कोशिश करता है, गिफ्ट देता है, सरप्राइजेस देता है। तो वही मैं भी करूंगा। सॉरी इतने दिनों से व्लॉग नहीं आया, बट कुछ चीजें हैं जो मैं कर रहा था और कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ हो गई है। एक दो दिन तो मैं थोड़ा नेगेटिव था, सब बता दूंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। सबसे पहले तो आप अपने चिकने MSK को देखिए। मैं हमेशा जो अपनी दाढ़ी है ना वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा रखता हूँ, दाढ़ी मूछ। इस बार मैंने कम्प्लीटली ट्रिम कर दिया था, बिकॉज ना काफी ईचिंग विचिंग हो रहा था और मेरे को ना ऐसा फेशियल करना था, अपने हाथों से अपने चेहरे को निखारना था। कुछ भी बोलता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया। लोग मिस कर रहे थे आप लोगों को? बहुत ज्यादा, हम भी मिस कर रहे थे। साल खत्म होने वाला है और महीना भी। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं हर महीने उन्हें क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना पड़ता है। मैं अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए यूज करता हूँ क्रेड, और क्रेड में एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर चल रहा है। अगर आज आप लोग क्रेड से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो आपको 100% कैशबैक मिलने के चांसेस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रेड क्या है। क्रेड एक ऐप है जहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पे करते हो, और क्रेड के बहुत सारे फायदे हैं जो आपको हेल्प करता है फाइनेंशियल प्रोग्रेस में और एक लाइफस्टाइल बिल्ड करने में जो आप डिजर्व करते हो। क्रेड ऐप में आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक और ट्रैक कर सकते हो। आप मैनेज और सीमलेस पेमेंट कर सकते हो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्रेड ऐप में। आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहां कहां पर यूज कर रहे हो विद इजी टू रीड स्पेंड एनालिसिस चार्ट। और बेस्ट पार्ट, आप क्रेड ऐप के थ्रू अपना रेंट भी पे कर सकते हो यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड। तो देर किस बात की, क्रेड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, डाउनलोड करो और यूज करना शुरू करो जैसे मैं कर रहा हूं। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं मुंबई में हुडी पहनने के, क्योंकि यहाँ ठंड थोड़ी कम होती है, कभी कभी तो होती भी नहीं है। अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ यह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो काम है पहले वो कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं तैयारी कर रहा था ट्रैकिंग की, काफी जोरों शोरों से वो तैयारी हो रही थी। हमने साइकिलिंग किया, भागे, फिटनेस सब चालू कर दिया है। कल जाना है ट्रैकिंग के लिए और उसके लिए कुछ सामान जो है वो खरीदना है। जिस तरह से आप लोग नाराज हो मुझसे, उसी तरह से हमारी टाइगर भी नाराज है हमसे। काफी दिन हो गए, इसको भी बाहर निकाला नहीं हूं मैं। पिछले कुछ दिनों में जब हम व्लॉग नहीं डाल रहे थे तब हम फॉर्च्यूनर चला रहे थे, और भी बहुत सारे काम है जो कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक काम ये कि हम फॉर्च्यूनर भी चला रहे थे। और फॉर्च्यूनर अभी चल चुके 974 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर में इसकी फर्स्ट सर्विसिंग है। सो फास्ट सो गुड, सब कुछ एकदम बढ़िया रहा है। 4x4 में मैंने बहुत कम चलाया था, 4x4 के लिए 4x4 वाली जगह चाहिए और वो जगह अभी तक हमने ढूंढा ही नहीं, मतलब है गए नहीं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अब मैं बात करना चाहूंगा वो बातें जो दो दिन पहले मेरे को थोड़ा नेगेटिव कर दी थी। सबसे पहला था उसमें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ काफी दिनों से कि मेरा एक ड्रीम ट्रिप होने वाला है जिसके लिए काफी एक्साइटेड था, काफी सारी प्लानिंग हो रही थी, बहुत कुछ हो रखा था। बट वो जो ट्रिप है हमारा वो हम शुरू करने वाले थे 26 जनवरी को, और 4 महीने का ट्रिप था, काफी कुछ था उसमें, मैं अभी क्या ही बताऊं आपको। वो जो हमारा ड्रीम ट्रिप था उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ रहा है ओमिक्रॉन के एसी की तैसी की वजह से। वो हम अभी नहीं कर पाएंगे, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन वही है, मशक्कतें काफी होंगी। जहां पर हमें 4 महीना लगने थे वहां पर हो जाएंगे 5-6 महीना, क्योंकि अगर हम एक एक स्टेट में भी एक एक दिन बढ़ाते हैं तो क्या ही कहूंगा। ट्रैफिक में अभी तक मेरे को ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं ट्रैफिक में एकदम मस्त कटकुट मार के चलाऊं, तो इसीलिए मैं एकदम आराम आराम से चलाता हूं। अगर पोलो होती ना तो मुझे पता है पोलो का तो हर एंगल से अंदाजा है कि मैं कहां पे भी ऐसे निकाल सकता हूं। इसको थोड़ा समझने के लिए वक्त लग रहा है, मुझे लगा था कि हो जाएगा अब तक, समझ में आ जाएगा 1000 किलोमीटर तक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। काफी बड़ी गाड़ी है ना, इस बार बड़ा परिंदा खरीदा है ना। जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो भी आप चाहते हो वैसा ही हो, कभी कभार आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, और उस वक्त हम सोचते हैं कि ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ है तो खुदा की मर्जी से हुआ है। जिंदगी की यही रीत है, कभी हार है कभी जीत है, कभी खुशी है कभी गम है। आइए स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। ओहो संभालिए सर
अभी सर टूट जाता तुम्हारा ऐसे ट्रक में बैठना पड़ रहा है। कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी। क्या कर रहे हैं? हम बताइए जनता को कि हम कहाँ पर आए और क्या करने आए। मुझे नहीं पता क्या करने आए, हम डीकैथलॉन आए हैं। तो ये अपना तो डीकैथलॉन क्यों आते लोग? तुम पैसे बर्बाद करने आते हो। कुछ चीजें हैं जो ट्रैकिंग के लिए जरूरी होती है, हमारे पास नहीं थी इसलिए आए हैं। बता दिया हम ट्रैकिंग जा रहे हैं। हाँ मैं बता दिया कहाँ जा रही है, नहीं बता लेकिन बता दिया कि ट्रैकिंग कर रहे हैं। Are you excited for the trekking things? I'm scared. अच्छा हमारी फॉर्च्यूनर देखो। हाँ तो क्या बोली थी तू, डरी हुई है? जब मेरा पहला जब तूने पहला फिर किसको पहला? जब मेरा पहला ट्रैक था ना, हाँ? मैं जिन लोगों के साथ गई थी मैंने इतनी गालियां दी थी, मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये मत करवाओ मुझसे, मैं एकदम टॉर्चर हो गई थी। तो अब कल तुझे वो दिखेगा। मैं तो देखो ऊपर से फेंक दूंगा अगर ज्यादा कुछ की तो। ऊपर जाना नीचे जाना है? बेसमेंट में अभी और अंडरग्राउंड जाएगा क्या? डीकैथलॉन से हमें चाहिए एक स्टिक ऊपर चढ़ने के लिए, दूसरी चीज मुझे चाहिए वो टॉर्च चाहिए, हेडलाइट और याद है थोड़ा। याद आया एक जूता भी लेना, एक ट्रैकिंग पैंट भी लेना है, और याद है थोड़ा बताता हूँ। Put it back. Okay. इस जंगल में सब मेरी सुनेंगे। ठीक है? कहीं नहीं जाऊँगा। उसको छोड़ के सबको लगा। वो क्या? जिस पिवानु क्या रे मैं खेलवानु मज़ा नहीं लाई। क्या हुआ भैया? बेंजी शॉट मिस हो गया, पहला शॉट देखा था आपने? ये अपना काम मुझे पता है, रशिया से पेंडिंग है, रशिया में लेने वाले थे। बट रशिया में ये था 20,000-18,000, ये कितने का है? 5,500। क्या बोलते ले ले गया? हाँ अभी आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये बड़ा लगेगा। दुनिया में क्या लेने आए थे और क्या लेके जा रहे हैं? पहले तो वही सब लिया है, ये क्या है? ये थोड़ी लेने का प्लान था, स्केटबोर्ड। स्केटबोर्ड तो रशिया से प्लान था। या ठीक है, अभी यहाँ पे चलाते क्या? हाँ यार चला देगा। ओके मैडम बाय, कल मिलते हैं। यस मैं घर पे जाके मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। जा चल निकल मेरे गाड़ी से, चल निकल भाग यहाँ से, चल नहीं चाहिए भाग यहाँ से। यहाँ पर स्केटबोर्ड नहीं है और जो अपनी ट्रैकिंग स्टिक है वो नहीं है। उसके अलावा ये जूते मैंने आज से कुछ 4 साल पहले भी लिए थे, मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, वापस मैंने ये जूता लिया है। मतलब ये मेरे को बाइकिंग में भी हेल्प करता है, बाइकिंग यानी कि मोटरसाइकिलिंग। एक टॉवल लिया गया है, ये टॉर्च जो है हम जहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं वहाँ पर हमें रात बितानी है तो ये टॉर्च हमें काम आएगा, और ये हेड टॉर्च दोनों ले लिया गया है, एक ट्रैकिंग पैंट एंड पाउच, 2 टी-शर्ट। That's it. अब मैं चाहता हूँ कि जो पुराना गेम हम खेला करते थे सस्पेंस वाला गेम, वो खेलते हैं। कहाँ पर ट्रैक हो रहा है थोड़ा आप गेस करें। वहां पर मैं पहले भी जा चुका हूँ, और हिंट अगर देना चाहूँ तो कल सुबह देता हूँ। और दूसरा, एक 5 तारीख को हमारा इंटरनेशनल ट्रिप हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है आप वो भी गेस कर सकते हैं। ये जो पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ जो गड़बड़ हो रहा है ना, एक तो मैंने आपको बताया अपना ड्रीम ट्रिप जो है वो पोस्टपोन करना पड़ेगा, ये कोरोना की वजह से, स्पेशली ओमिक्रॉन। मेरा आपको मैंने बताया था कि मर्चेंडाइज वाला जो प्लान है वो भी पोस्टपोन करना पड़ रहा है। मेरे जितने भी प्लान्स हैं ना वो सब के सब आगे पीछे हो रहे हैं। कभी कभी लगता है कि
सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे साइड में गई दुनिया के अलग कोने में चले जाऊं। मैं हमेशा कहता हूं ये बात कि कभी कभार अगर आप ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हो तो उसको भी जी लेना चाहिए, तो मैंने जी लिया। बट अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो चीज़ मैंने सोचा था वो चीज़ तो हो नहीं रही है। सो देखते हैं क्या होता है। शफीक मेरे दोस्त, हाँ मेरे भाई, जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिससे तेरी जिंदगी बदल जाए? ऐसा क्या काम है? तेरी जिंदगी बदल सकता हूँ मैं, कर दे। मैं कल जा रहा हूँ ट्रैकिंग करने के लिए। हाँ। देखो पता तो होगा ट्रैक क्या चीज है, चढ़ना होता है। चढ़ना होता है, वही करना है, तो काफी अच्छा खासा ऊपर चढ़ाई करनी होगी। चढ़ेगा जिंदगी में ऊपर, नए साल का सूरज हम ऊपर से देखेंगे, मजा आएगा। मैंने हाजी मलंग चढ़ा। हाजी मलंग भी मतलब, हाँ हाजी मलंग चढ़ा तो फिर तू चढ़ सकता है। मैं देख लेता हूँ इसके पास पूरा एकदम गियर वियर प्रॉपर है कि नहीं, अगर है तो फिर इसको भी लेके चलते हैं, तू भी मजा ले। क्या पता, देखते रहो। ऐसा कहा जाता है कि जब लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है ना उसके 10 सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग होता है ना वो प्रॉब्लम में इतना डूब जाता है कि हमें सोल्यूशन दिखता नहीं है। तो मैं सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करूंगा ना कि प्रॉब्लम पे। बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बड़े, आई विल सी यू सो नेक्स्ट लव बड़े कर, खुदा हाफिज, लिव लाइफ लिव ड्रीम। बूम, बहुत लेट आया। क्रिकेट है क्या? दो दो बार अरे डेड बॉल था। डेड बॉल।